हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आ चुका है और हमने आपको पहले ही बताया था कि एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आने वाला है और आज एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आ चुका है। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 2 जनवरी से हो रहे हैं और इसमें हम देखेंगे कि DOB क्या रहेगी, डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी, इसमें हम देखेंगे आज। और दोस्तों, ये भी देखेंगे एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, कहाँ और कौन सी डेट से स्टार्ट होगा। दोस्तों, एक ये भी कन्फ्यूजन थी सभी की कि इसमें एज बढ़ा के 21 साल कर दी गई है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो प्रोसेसर चलता आ रहा है वही सेम प्रोसेसर चलता आ रहा है। चलो दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो में क्या रहा है नोटिफिकेशन में, क्या रही है DOB, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कब से नहीं हो रहे, कब तक रहेंगे, क्या कुछ रहेगा, ऐसा हम देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि एयरफोर्स से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस सेट हम यहाँ इस YouTube चैनल पर कराएंगे वो आप तक पहुँच सके, नेवी के और AA SSR के सभी के। और ज़्यादा से लाइक, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। चलो दोस्तों, चलते हैं हम नोटिफिकेशन के पास। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अनमेरिड मेल इंडियन नेपालीज के लिए है। कैंडिडेट सिलेक्शन टेस्ट फॉर इंटेक 01/2020 टू ज्वाइन एज एयरमैन इन ग्रुप एक्स। ट्रेड एक्सेप्ट है इसमें एजुकेशन इंस्ट्रक्चर ट्रेड में, और वाई में आपका एक्सेप्ट रहेगा ऑटोमेल्स टेक्नीशियन ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्चर में। तो दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या क्या रहेगा, आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्म हमारे कब से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है 2 जनवरी 2019 से स्टार्ट हो जाएंगे। वेबसाइट पे आप लॉगिन करके अपने फॉर्म भर सकते हैं और ये साइट खुली रहेगी 21 जनवरी 2019 तक। दोस्तों, अगर इसमें हम क्वालिफिकेशन की बात करें, फॉलोइंग आर टू बी अपलोडेड, जो इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसकी भी देख लीजिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10+2 की मार्कशीट है जो आपके पास वो अपलोड करनी है, या फिर आपके किसी के पास 3 ईयर का डिप्लोमिंग इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हो, मार्कशीट उसकी करनी है। पासपोर्ट साइज जो आपका फ़ोटो रहेगा, दोस्तों ये बात यहाँ पे गौर से देखिए, जो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो टेक एंड नोट बिफोर नवंबर 2018 से पहले का नहीं होना चाहिए, यानी कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास होना चाहिए जो जिसका साइज है 10 KB से 50 KB के बीच में। जो आपका फ़ोटो का साइज रहेगा वो रहेगा 10 KB से 50 KB तक। उसके बाद बात करते हैं, जो आपका लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन रहेगा इमेज वो रहेगी 10 KB से 50 KB के बीच में। सिग्नेचर का रहेगा 10 से 50 KB बीच में, और कैंडिडेट पेरेंट्स के जो हैं सिग्नेचर, वहाँ पे गार्जियंस के सिग्नेचर चाहिए। अगर कैंडिडेट की एज 18 साल से कम है तो उसके पेरेंट्स के वहाँ पे साइन चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं, कैंडिडेट हैव मस्ट हैव हिज वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आपका वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कभी बंद ना हो, और कैंडिडेट शुड हैव हिज आधार कार्ड नंबर हैंडी, आधार कार्ड होना चाहिए, जिससे कि जो कैंडिडेट के एग्जामिनेशन सेंटर पे प्रिंट आउट ऑफ प्रोविजनल एडमिट कार्ड। कैंडिडेट शैल बी डिबेयर्ड फ्रॉम अपेयरिंग इन ऑनलाइन टेस्ट इन केस एनोमलीज। दोस्तों, आगे बात करते हैं, कैंडिडेट सेल कैरी या वैलिड, आपको अपने पास वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा जब भी आप सिलेक्शन एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे फेस फर्स्ट और सेकंड के लिए। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं, फिर जो ये फॉर्म है वो अनमेरिड मेल कैंडिडेट के लिए है। इसमें देख लेते हैं हम डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक जो रहेगी, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत सारे बच्चों के लिए डाउट बना हुआ है कि इसमें डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी, वो आपको हम बता देते हैं। वो रहेगी 19 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2003 के बीच में, जितने भी बच्चे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलो दोस्तों, आगे बात करते हैं, फिर ग्रुप वाई और ग्रुप एक्स के लिए आप ये फॉर्म भर सकते हो। और कुछ इम्पोर्टेंट है आपके लिए इसमें,
तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप फिजिकली बात करें, आपका फिजिकली क्या होना चाहिए, अगर आपको इसमें आपकी जो हाइट है वो 152.5 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है ये, चेस्ट की जो रेंज है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो आपका वेट है वो प्रेफरेंस टू हाइट और एज के अकॉर्डिंग, हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सर मैं आपको बता रहा हूँ सर, मिनिमम वेट ऑफ 55 kg रिक्वायर्ड फॉर, जो आपका मिनिमम वेट है वो 55 kg है। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं। आप जो ये ऑनलाइन आपका जो फॉर्म है वो www.airmanselection.cdse.in पर जाके भर सकते हैं। तो ये था दोस्तों नोटिफिकेशन एयरफोर्स का। आप इसमें जो इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे देखे नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अगर इसमें हम सैलरी की बात करें तो 33,100 पर मंथ रहेगी एक्स के लिए, और वाई के लिए जो रहेगी सैलरी वो रहेगी 26,900। तो दोस्तों ये था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था आपके लिए। आपके फॉर्म आ चुके हैं, और जिन दोस्तों ने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। और दोस्तों आपको हमारे चैनल पे एयरफोर्स वाई ग्रुप से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस सेट कर होंगे वो सारे कराए जाएंगे आपको यहाँ पे। इंग्लिश का, एयर मैथ का, रागा का, सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे डेली लाइव मिलेंगे। जो भी बच्चों, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास वो प्रैक्टिस सेट पहुँच सकें, आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। जय हिंद, जय भारत।